let us start about the next chapter, that is the what separation of substances. Okay, बेटा, so इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे सब्सटेंसेस को सेपरेट किया जाता है या क्या पर्पस होता है जनरली सब्सटेंसेस को सेपरेट करने का. ओके, सो इस चैप्टर में जनरली हम कौन से कंटेंट्स के बारे में जानेंगे, दैट इज फर्स्ट इज अबाउट द इंट्रोडक्शन. ओके, विल टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन. ओके, we'll talk about firstly the introduction. The second one is about the separation methods. Okay, different separation methods. Okay, what are the different separation methods? Next, third is use of more than one separation method. Okay, कुछ चीजों को सेपरेट करने के लिए, ठीक है बेटा, कुछ चीजों को सेपरेट करने के लिए एक से ज्यादा सेपरेशन मेथड जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, यूज किए जाते हैं. ओके, सो इन दिस चैप्टर द फॉलोइंग कंटेंट्स आर बेसिकली, फर्स्ट इज अबाउट द इंट्रोडक्शन, द सेकंड वन इज अबाउट द सेपरेशन मेथड्स. ओके, we will discuss about the different separation methods. Okay, like filtration, decantation, sedimentation, sieving, winnowing, threshing. Different separation methods are what basically used to separate the substances of for what kind of a purpose. Okay, the third one is the use of more than one separation method. So some substances are like that, okay, in which more than one separation is method generally used. Okay, so these are the following contents of the chapter. Okay, so first one is I'm giving the some example. Okay beta, the first one is we separate the tea leaves. Okay, we separate the tea leaves from what, when we prepare the tea generally with the help of what, that is strainer. Apne mother ko dekha hoga apne, टी से स्ट्रेनर की हेल्प से क्या करती है, वो टी लीव्स को क्या करती है, सेपरेट करती है. ठीक है, जो कि क्या है उनके लिए बाद में यूजलेस है. ठीक है, तो इट मींस दैट यहाँ पर क्या वर्ड आता है, दैट इज द सेपरेशन मेथड आता है. ठीक है, तो लिक्विड से, दैट इज टी इज द लिक्विड, उस लिक्विड से क्या किया जाता है, सॉलिड, दैट इज द टी लीव्स को, सॉलिड सब्सटेंसेस को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है. वी कैन विद द जस्ट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ दैट इज द स्ट्रेनर. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द व्हाट, सेपरेशन. ये किसका एग्जाम्पल है, सेपरेशन का एग्जाम्पल है. ठीक है, सो व्हाट अबाउट, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल. इफ वी टॉक अबाउट दैट इज नेक्स्ट व्हाइल, सॉरी, दैट इज द ग्रेन्स आर सेपरेटेड, ग्रेन्स आर सेपरेटेड, ओके, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम स्टॉक्स. आपने देखा होगा जब फसल जो होती है मैच्योर हो जाती है, मतलब क्रॉप्स जब मैच्योर होती है तो उसमें से क्या होता है, उसके पौधे में से क्या होता है, इन ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है. ओके, तो सेपरेट जब किया जाता है आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ सेपरेट करते हैं, क्योंकि हमारे लिए क्या है, ग्रेन्स यूजफुल सब्सटेंस है, तो एक पर्पज के लिए किया जाता है. ये क्या है, एक सेपरेशन है. तो यहाँ पर हम चीजें क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं अपने बेसिस पे, उनकी प्रॉपर्टी के बेस पे. ठीक है, नेक्स्ट थिंग, थर्ड वन इज about the churning of what, milk. Okay, the milk ko kya kiya jata hai, churn kiya jata hai. Theek hai, whole milk is churned to obtain what, that is to obtain the butter. Curd ya milk ko kya kiya jata hai, churn kiya jata hai, taki hum usme se kya hai, kuch useful substances ko obtain kar sake, that is butter. Okay, now next thing is about, like आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, दैट इज हम कॉटन को क्या करते हैं, गिन करते हैं. ठीक है, गिनिंग मेथड आपने पढ़ा होगा. सो वी गिन जनरली द कॉटन, ओके, जस्ट टू सेपरेट द व्हाट, सीड्स. सीड्स को क्या करते हैं, उसमें सेपरेट करते हैं, सेपरेट द सीड्स. ओके, सो जस्ट टू ऑब्टेन द कॉटन फाइबर्स, ताकि कॉटन फाइबर्स क्या है, उससे
अलग किए जा सके, ठीक है, ऑटन फाइबर्स को ऑप्टेन किया जा सके. ओके, सो व्हाट अबाउट दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ द लाइक सेपरेशन. कुछ सेपरेशन कैसे सब्सटेंसेस को सेपरेट, सेपरेशन के क्या है जनरली सिंपल एग्जांपल्स हैं कि लाइक टी लीव्स वी जनरली सेपरेट विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रेनर, दैट इज अ लिक्विड इन फॉर्म. ओके, द ग्रेन्स दैट इज इन अ सॉलिड फॉर्म फ्रॉम द स्टॉक्स वी जनरली सेपरेटेड. ओके, चर्निंग, मिल्क इज चर्न एंड जस्ट टू ऑब्टेन द यूजफुल सब्सटेंस दैट इज द बटर, ठीक है, दैट वी सेपरेट. गेनिंग सेपरेशन मेथड होता है ताकि उसमें क्या है सीड्स जो प्रेजेंट होते हैं उसको कॉटन फाइबर से सेपरेट किया जा सके. ओके, लाइक एग्जाम्पल की बात करते हैं, फाइव का एग्जाम्पल दैट इज आप घर पे पोहा खाते हैं, पोहा में अगर आप चिलीज या आपको चिलीज नहीं पसंद है तो आप उसको क्या करते हैं चिलीज को सेपरेट करके अपने हाथों से उसे क्या करते हैं अलग अलग निकाल कर रख देते हैं. तो इट मीन्स क्या है यू आर सेपरेटिंग द वॉट, आपके लिए वो चीज क्या है यूजफुल नहीं है, तो इट मीन्स आपने उसको क्या है सेपरेट करके अलग रख दिया है और बाकी चीजें आप क्या करते हैं आसानी से खा लेते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर वर्ड क्या आ रहा है हमारे पास, सेपरेशन वर्ड आ रहा है, दैट इज सेपरेशन. द वर्ड इज बेसिकली कमिंग इन द फॉलोइंग वॉट, दैट इज इन फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ बास्केट, ओके, अगर आपके पास एक बास्केट है, ओके, और उसमें आपके पास कुछ रेड और कुछ ग्रीन बॉल्स हैं, ओके, कुछ रेड और क्या है कुछ ग्रीन बॉल्स हैं, ठीक है, तो सम आर व्हाट रेड दैट इज ग्रीन बॉल्स, ओके, एंड सम आर रेड बॉल्स. ओके, तो अगर मैं आपको दो कंटेनर्स दूं तो यू कैन सेपरेट इजीली. आप क्या करेंगे, आप आराम से क्या करेंगे ग्रीन बॉल्स को उठाएंगे, एक ही जैसे हैं क्योंकि सिमिलैरिटीज है, एक कलर है उनका, तो इट मींस ग्रीन बॉल्स को उठाएंगे तो एक कंटेनर्स में आप उसे क्या करेंगे रखेंगे, ओके, और दूसरे कंटेनर में आप क्या करेंगे दैट इज रेड बॉल्स को आप रखेंगे. ओके, तो ये था आपके लिए आसान तरीका. क्लियर, ये आसान तरीका क्यों था, क्योंकि जो साइज था सब्सटेंस का, तो पार्टी जो पर्टिकुलरली आपको जो ऑब्जेक्ट दिया गया है उनका साइज क्या है ग्रेटर साइज है, उसको आप आसानी से क्या करते हैं सेपरेट कर सकते हैं. ओके, यू कैन इजीली सेपरेट दो सब्सटेंसेस व्हिच आर बिगर इन साइज. सो फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग अनदर एग्जांपल, सो इफ वी आप आसानी से पहचान सकते हैं अगर हम एप्पल्स और गुआवा को एक साथ रखें, ठीक है, एक बास्केट में आपको कहा जाए कि आपको सेपरेट करना है, ठीक है, तो व्हाट विल यू डू, आप एप्पल्स को क्या करेंगे आसानी से क्या उनके शेप आकार के अनुसार से क्या से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, तो आप एक बास्केट में क्या करेंगे दैट इज जनरली आप एक बास्केट में क्या रखेंगे एप्पल्स रखेंगे, ठीक है, या फिर एक बास्केट में आप फिर क्या रखेंगे दैट इज दो गुआवा रखेंगे. तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर व्हाट द कलर साइज के बेस पे आप उसे आसानी से क्या कर सकते हैं देख सकते हैं और आसानी से साइज में बिगर होने की वजह से क्या कर सकते हैं आप उसे पिक करके आसानी से रख सकते हैं. तो यहाँ तो हमारे लिए क्या होता है ये पॉसिबल हो पाता है, ठीक है, सो व्हाट वी कैन इजिली पुट द बिगर साइजेस व्हाट दैट इज द एप्पल्स और द डिफरेंट, ठीक है, वी कैन इजिली पुट इन द डिफरेंट कंटेनर्स बिकॉज ऑफ देयर बिगर साइज. ओके, now what about the other substances or the materials, okay, which are smaller in size. to aakhir un substances ko kaise separate kiya jaye, un cheezon ko kaise separate kiya jaye jo generally chote sizes ke hote hain. okay, to generally kya hote hain chote sizes ke hote hain jaise aur ya fir liquids form mein present hote hain, theek hai, how can we separate them, to kaise hum separate kar sakte hain. for example ke liye agar aapko ek container diya jaye, ek glass diya jaye और उसमें आपको सैंड दिया जाए, ठीक है, और उसमें सैंड के साथ क्या मिक्स हो सैंड प्लस सॉल्ट दैट इज मिक्स्ड. ओके, हाउ कैन यू सेपरेट इट, इट इज पॉसिबल, वो पॉसिबल हो सकता है कि आप उसे हाथ से आसानी से सेपरेट कर सके, नो, विद द हेल्प ऑफ हैंड वी कैन नॉट सेपरेट. जैसे हमने उसमें बॉल्स को आसानी से क्या किया हाथ से उठाया और एक कंटेनर में रख दिया, एक तरह के कंटेनर में रख दिया, एप्पल्स को एक तरफ रख दिया और गुआवास को एक तरफ रख दिया. ओके, लेकिन इसमें ऐसा कर सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं कर सकते,
बिकॉज इसमें क्या है, इसमें पार्टिकल्स जो है, मटेरियल जो है वो क्या है बेटा, स्मॉल साइजेस के, तो उन्हें अब हाथों से क्या है पिक करके एक अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते हैं हम यहाँ पर सेपरेशन, सेपरेशन बेसिकली विद द हेल्प ऑफ हैंड वी कैन नॉट डू बेसिकली. ओके, सो व्हाट इज दिस, इमेजिन, सो देयर इज एन एक्टिविटी बेसिकली इन योर बुक कि व्हाई डू वी जनरली, व्हाई डू वी सेपरेट द सब्सटेंसेस, सो व्हाट इज द रीजन ऑफ सेपरेट द सब्सटेंसेस, separate the substances. Okay, so hum kya karte hain, generally hum separate kyu karte hain substances ko, so one thing is about the separation process. Okay, the separation process is aapko jo activity di gayi hai that is in the jumbled form. Theek hai, you have to write in a correct form mein aapko usko kya karna hai, form correct karna hai. Theek hai, next thing is the process, sorry, purpose for which needs the separation, kis purpose ke liye separation kiya jaye. Okay, what is the purpose of it. Next thing is what do we with the separate substances. Okay, what do we with the separate component, yeah, separate substance, separate component. Okay, so these are the some points are is given in the activity. What is the sub first thing is separation process. वो separation process आपको following दिए गए हैं, ठीक है? और किस purpose की वजह से, ठीक है? Purpose क्या है? उसका separation करने का क्यों जरूरत है, ठीक है? So next thing is अगर हम separate करते हैं तो उन components का हम क्या करते हैं? After the separation, okay? तो आपका first separation method, separation process दिया है. That is the separate the stone from rice. Separate the stone from rice. Generally आपने देखा होगा कि स्टोन जो होते हैं, जनरली बहुत छोटे छोटे कंकर जो होते हैं राइस में, वो क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट रहते हैं. तो आप क्या करते हैं, आप उसको अपने हाथ से निकाल कर, उस स्टोन्स को, छोटे छोटे स्टोन्स को निकाल कर आप क्या करते हैं, व्हाट्सएप अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं. तो किस में सेपरेट करते हैं, राइस में. तो राइस आपके लिए क्या है, एक तरह से यूजफुल सब्सटेंस है, लेकिन आपके लिए स्टोन क्या है, दैट इज काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज. वो क्या है आपके लिए, एक तरह की इम्प्योरिटीज है. ओके सुरेश, ओके नेक्स्ट थिंग, तो जस्ट किस लिए पर्पस होता है, टू रिमूव द इम्प्योरिटीज, टू रिमूव द व्हाट, दैट इज इम्प्योरिटीज. इम्प्योरिटीज को क्या करते हैं, रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं, ठीक है, किसका, स्टोन फ्रॉम द राइस. दिस वन इज अबाउट द फर्स्ट पॉइंट. ओके, सो व्हाट डू वी विद द सेपरेट कंपोनेंट. अब जो हमने सेपरेट किया है उस इम्प्योरिटी को, रिमूव किया है उस इम्प्योरिटी को, तो हम उसका क्या करते हैं, व्हाट वी थ्रो अवे दैट द कंपोनेंट, विद दैट कंपोनेंट वी जनरली थ्रो अवे, हम उसे क्या करते हैं, फेंक देते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, यूजलेस है. ओके, वी थ्रो अवे दैट द इम्प्योरिटीज. ओके, व्हाट द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट प्रोसेस इज, दैट इज द चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन द बटर. ओके, टू ऑब्टेन बटर. सो व्हाट अब, ये हमारे लिए दोनों क्या है, यूजफुल ही है, हमारे लिए मिल्क भी यूजफुल है और बटर भी यूजफुल है. तो हमारा पर्पस क्या होता है, टू सेपरेट द टू डिफरेंट यूजफुल कंपोनेंट्स. ओके, टू सेपरेट करना, ठीक है, टू सेपरेट, क्योंकि दोनों यूजफुल कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, हमारा पर्पस ये है, टू सेपरेट टू डिफरेंट, ओके, यूजफुल सब्सटेंसेस और द कंपोनेंट्स. ओके, टू यूजफुल कंपोनेंट्स. ओके, सो टू डिफरेंट यूजफुल बट यूजफुल कंपोनेंट्स, एंड व्हाट अबाउट
व्हाट डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स के साथ हम जनरली क्या करते हैं, वी यूज द बोथ कंपोनेंट्स, वी यूज बोथ कंपोनेंट्स, ओके। तो हम दोनों, ऐसा तो नहीं है कि हम क्या करेंगे, एक को रखेंगे और दूसरे को हम थ्रो कर देंगे, ऐसा नहीं है। हम दोनों कंपोनेंट्स को जो सेपरेट हो चुके होते हैं, ठीक है, जो यूजफुल कंपोनेंट्स है, उन दोनों यूजफुल कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं, ओके। सो दिस इज अबाउट व्हाट, दैट इज अबाउट द चर्निंग मिल टू ऑब्टेन द बटर। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, व्हाट द थर्ड पॉइंट, दैट इज सेपरेट टी लीव्स, ओके। Why do we basically separate tea leaves? Separate tea leaves. Okay. So to remove the, क्योंकि tea leaves अगर separate हो जाती हैं, tea leaves अगर separate करती है from tea से, तो general tea leaves तो useful है नहीं हमारे लिए, ठीक है? तो remove, use, just purpose क्या है? To remove what? Non-useful component. Okay. That is non-useful. Non-useful component. उस non-useful component को separate करना, ठीक है? That is the tea leaves from the tea. Okay? So what is we generally, what do we do with the separated component? We throw the solid component. Okay? हम क्या करते हैं, उस सॉलिड कंपोनेंट को क्या करते हैं, जनरली थ्रो कर देते हैं, ठीक है, जब हम सेपरेट करते हैं। सो दिस इज अबाउट व्हाट, तो व्हाई डू वी जनरली सेपरेट द सब्सटेंसेस, हम क्यों सेपरेट सब्सटेंसेस करते हैं, तो वी जनरली फॉर विच, ताकि हम इम्प्योरिटीज को क्या कर सके, रिमूव कर सके, ठीक है, तो सेपरेट द टू यूजफुल यूजफुल कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सके जो उस सब्सटेंस में प्रेजेंट है, दो या दो से अधिक, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज, ताकि हम क्या है, नॉन यूजफुल कंपोनेंट जो है उसको सेपरेट कर सके उसमें से, मतलब उस सब्सटेंस में से उसके जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट है उसको सेपरेट कर सके। तो इसलिए जनरली हम क्या करते हैं बेटा, वी डू द जनरली सेपरेशन, ओके। सो व्हाट इज इट, सेपरेशन प्रोसेस में फर्स्टली क्या है, दैट इज सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, ओके। सो व्हाट इज इट, पर्पस क्या है हमारे लिए सेपरेशन का, क्यों जरूरत पड़ती है, ताकि इसमें से क्या है, जनरली हम इम्प्योरिटीज को क्या कर सके, रिमूव कर सके, ओके। इसमें जो इम्प्योरिटी कौन सी है, दैट वन इज द स्टोन, वी कांट यूज इट, ओके। तो इस इम्प्योरिटी को व्हाट, रिमूव करने के लिए जनरली हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं, ओके। तो हम इस सेपरेटेड कंपोनेंट्स के साथ क्या करते हैं, वी व्हाट, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, ओके। तो उस इम्प्योरिटीज को क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, द चर्निंग मिल, ओके, चर्निंग मिल टू ऑब्टेन द बटर। जब हम चर्न करते हैं मिल को, ओके, सो व्हाट, टू ऑब्टेन बटर को ऑब्टेन करने के लिए, ओके, सो व्हाट अबाउट, पर्पस क्या होता है हमारा, टू सेपरेट द टू डिफरेंट यूजफुल कंपोनेंट्स, ठीक है, दो अलग अलग यूजफुल कंपोनेंट्स को सेपरेट करना जो एक सब्सटेंस में क्या होते हैं, जनरली प्रेजेंट रहते हैं, ओके। नेक्स्ट थिंग इज, We use both components. तो both components को क्या होता है, generally use किया जा सके, इसलिए उन substance को क्या करते हैं, separate करते हैं, ठीक है। Next thing is about the separate the tea leaves. Okay? तो tea leaves को कैसे किया जाए, separate किया जाए, ठीक है, from the what, tea से, तो that is what, to remove करना non-useful components को, जो कि हमारे लिए क्या है, useful तो है नहीं, just tea leaves. तो उसके बाद क्या होता है, generally जो हमारे पास नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स होता है, वी जनरली थ्रो दैट सॉलिड कंपोनेंट, हम क्या करते हैं, उस सॉलिड कंपोनेंट को क्या करते हैं, थ्रो कर देते हैं। सो दीज आर व्हाट वी जनरली, व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट, द सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंसेस, ओके। सो वी सी दैट बिफोर वी यूज द सब्सटेंसेस, तो जब हम सब्सटेंसेस को यूज करते हैं, तो हम पहले क्या करते हैं बेटा, वी यूज उसमें पहले हम उसका सेपरेशन करते हैं कि उसमें क्या चीज हमारे लिए यूजफुल है, क्या चीज हमारे लिए इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उसमें, उसको सेपरेट करना, उसमें से अगर यूजफुल कंपोनेंट है तो उसको सेपरेट करना, या नॉन यूजफुल कंपोनेंट है तो उसको सेपरेट करना। किसी भी सब्सटेंस को यूज करने से पहले हम उसमें क्या करते हैं, सेपरेशन मेथड जो होता है वो यूज करते हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंट सेपरेशन मेथड, चाहे वो किसी तरह में भी हो, चाहे वो लिक्विड्स में हो, चाहे वो गैसेस में हो, चाहे वो सॉलिड्स में हो,
ठीक है। तो जो जनरली अगर पार्टिकल्स की बात की जाए तो जो कंपोनेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं या बेसिकली सब्सटेंसेस में जो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं दे मे बी व्हाट डिफरेंट साइजेस के हो सकते हैं, ठीक है। दे मे बी लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं या फिर वो सॉलिड्स भी हो सकते हैं, ओके। जो किस पर डिपेंड करता है, जनरली किस पर डिपेंड करता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, ओके। जो किस पर डिपेंड करता है, जनरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। तो देयर आर द वेरियस मेथड्स ऑफ सेपरेशन, ओके। सो फर्स्टली व्हाट आर द डिफरेंट वेरियस मेथड्स ऑफ सेपरेशन, द फर्स्ट वन मेथड्स ऑफ सेपरेशन, ओके। सो द फर्स्ट वन इज हैंड पिकिंग, नेक्स्ट दैट इज थ्रेशिंग, ओके। दैट इज नेक्स्ट थ्रेशिंग, थर्ड वन विनोविंग, ओके। फोर्थ सीविंग, ओके। नेक्स्ट फिफ्थ दैट इज सेडिमेंटेशन, ओके। सिक्स्थ डिकेंटेशन, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज फिल्ट्रेशन, एट्थ वन इज दैट इज इवेपोरेशन, ओके। सो दीज आर द सम व्हाट्स मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग द सब्सटेंसेस, ओके। सब्सटेंसेस मे बी लिक्विड्स, मे बी सॉलिड्स, ओके, और मे बी इन अ गैसेस फॉर्म। सो दीज आर द सम मेथड्स, क्या होते हैं बेसिकली इस मेथड्स होते हैं उस सेपरेशन के, कि कैसे उन्हें सेपरेट किया जाता है, किस मेथड से हम कर सकते हैं, ओके। द फर्स्ट वन आता है आपका व्हाट दैट इज हैंड पिकिंग मेथड। तो हैंड पिकिंग से आपका वर्डिंग से ही पता लग रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ व्हाट हैंड वी कैन पिक विद द हैंड पिक आउट, जिसमें हम क्या होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं जो कि हम हाथ से क्या होते हैं आसानी से उसे पिक कर सके और उसको सेपरेट कर सके, ठीक है। सो किसमें इन्वॉल्व होता है, हैंड पिकिंग में इन्वॉल्व होता है। वी विल डिस्कस एक्सप्लेनेशन हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक सिर्फ जनरली पढ़ा रही हूँ भी। तो व्हाट इज हैंड पिकिंग का मतलब क्या होता है, कि हम ऐसे सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं जिनमें क्या होते हैं कंपोनेंट्स लार्ज साइज के होते हैं, जो कि हम आसानी से हाथ से निकाल कर उसे सेपरेट कर सकते हैं। तो दैट इज इन्वॉल्व इन द व्हाट हैंड पिकिंग मेथड। तो किसमें इन्वॉल्व होता है, हैंड पिकिंग मेथड में इन्वॉल्व होता है। थ्रेशिंग मेथड क्या होता है बेटा, थ्रेशिंग मेथड में जो प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, उनसे क्या होता है जो ग्रेन्स होते हैं वो सेपरेट किए जाते हैं। आपने देखा होगा सरसों के जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, सरसों मतलब मस्टर्ड के जो प्लांट्स होते हैं, आपने देखा होगा उसको पीट पीट कर क्या होता है उसमें से ये सीड्स जो होते हैं वो सेपरेट किए जाते हैं। तो उसके सेपरेट ग्रेन्स जो होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं, ओके, छोटे साइज के होते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। आप खेत में अगर जाएंगे तो क्या आप हर सीड्स को अलग अलग हाथों से तोड़ के निकाल सकेंगे उसमें से, नहीं। तो जो मेथड जनरली बहुत ऐसे सब्सटेंसेस के लिए यूज किया जाता है जो बहुत ज्यादा क्या है लार्ज साइज में हो, सॉरी दैट इज बहुत अमाउंट में हो, ठीक है, और बहुत छोटे साइजेस के हो, तो दैट इज व्हाट दैट इज रिलेटेड विद द थ्रेशिंग मेथड। वो किससे रिलेटेड होता है, थ्रेशिंग मेथड से क्या होता है जनरली रिलेट करता है, ठीक है। विनोविंग मेथड क्या होता है, विनोविंग मेथड में क्या होता है कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं साइज कंपोनेंट जो होता है सब्सटेंस जो होता है उसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं कंपोनेंट्स के, ठीक है, कंपोनेंट जो प्रेजेंट होते हैं वो कुछ लाइटर होते हैं और कुछ हैवियर होते हैं। मतलब किसी किसका वेट जो होता है, किसी का वेट कम होता है और किसी का वेट ज्यादा होता है किसी सब्सटेंस में। लाइक आपने देखा होगा मदर जो होती है सूप से लेकर, ठीक है, गेहूं जो होती है फटकती है या सरसों फटकती है, तो उसमें जो ग्रेन्स में जो दूसरे भूसी वगैरह जो होती है, ठीक है, उसमें जो प्रेजेंट रहती है वो क्या होती है सेपरेट हो जाती है क्योंकि हल्की होती है, लाइट इन वेट होता है, ठीक है। और जो कि ग्रेन्स जो होते हैं वो थोड़ा सा हैवी होता है,
तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट विनोविंग प्रोसेस. ठीक है, वो कैसा मेथड है? विनोविंग मेथड है. क्लियर. नेक्स्ट सीविंग मेथड क्या है? सीविंग मेथड क्या होता है बेटा? जिसमें आप सीव का इस्तेमाल करते हैं, छन्नी का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो उसमें एक ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो सीव के थ्रू क्या होते हैं, आसानी से सेपरेट हो जाते हैं. बहुत ज्यादा यूजफुल कंपोनेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, सीव से क्रॉस हो जाते हैं, मतलब स्मॉल होल से पास हो जाते हैं. जैसे आपकी मदर जो होती है फ्लोर आटे को जो चालती है, ठीक है, सीव की हेल्प से, तो उसमें क्या होते हैं, जो लार्ज साइज पार्टिकल्स होते हैं वो सीव के ऊपर रह जाते हैं. ठीक है, और जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, यूजफुल कंपोनेंट होते हैं, वो सीव के क्या होते हैं, आराम से उस होल को क्रॉस करके छन जाते हैं. तो दैट इज द व्हाट, सीविंग मेथड. वो किसका एग्जांपल है? सीविंग मेथड का एग्जांपल है. ठीक है, नेक्स्ट थिंग आता है आपका सेडिमेंटेशन. तो व्हाट इज द सेडिमेंटेशन? सेडिमेंटेशन क्या है बेटा? इसमें क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंस होता है जिसमें कुछ उसके कंपोनेंट जो होते हैं क्या होते हैं कि व्हाट आर द, दे आर डू नॉट मिक्स विद द वाटर. ओके, सो दे जनरली सेटल एट द बॉटम, मिक्स नहीं होते हैं. ठीक है, और वो बॉटम पे क्या होता है, सेटल हो जाते हैं क्योंकि लार्ज साइज पार्टिकल्स होते हैं. ओके, सो दैट इज रिलेटेड विद द सेडिमेंटेशन. आपने मदर को देखा होगा जब गेहूं धोती हैं, ठीक है, वीट जो होता है जब उसे धोती है तो क्या होता है कि उसको धोने के बाद उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, मिट्टी जो होती है वो नीचे बैठ जाती है और वो उसे क्या होती है, सेपरेट कर लेती है. ठीक है, और डिकेंटेशन इज रिलेटेड विद सेडिमेंटेशन. तो अब जो मिट्टी अगर बैठ जाती है पानी के ऊपर, ठीक है, नीचे, सॉरी, वेसल के नीचे, ठीक है, बर्तन के नीचे, तो पानी जो होता है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाता है काफी देर तक रखने के बाद. जैसे बारिश का पानी आप इकट्ठा करते हैं तो उसमें कुछ जो डस्ट होता है वो नीचे सेटल हो जाता है, और कुछ पानी जो होता है जो आपका क्लियर हो जाता है उसको आप क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, अलग बर्तन में निकाल लेते हैं. तो दैट इज अबाउट द डिकेंटेशन. वो क्या है? डिकेंटेशन मेथड है. ओके, फिल्ट्रेशन क्या है? अब उसको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर, या फिर आप कॉटन के, आपने देखे होंगे कॉटन का जो कपड़ा होता है उसको यूज किया जाता है किसी चीज को छानने के लिए, लिक्विड चीज को छानने के लिए. ठीक है, तो दैट इज व्हाट, इट इज रिलेटेड विद द फिल्ट्रेशन, उसको फिल्टर करना. ठीक है, नेक्स्ट इवेपोरेशन. इवेपोरेशन क्या होता है? ऐसे लिक्विड जिसमें क्या होता है, जनरली नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो जब हम एक फ्रेश वाटर यूज करना होता है तो हमें लेना होता है डिस्टिल फॉर्म में. ठीक है, तो वी यूज जनरली द इवेपोरेशन मेथड जो होता है वो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं. तो दीज आर द व्हाट, सम व्हाट methods of what, irrigation. Okay, so what in the hand picking, threshing, winnowing, sieving method. Okay, sedimentation, decantation, filtration and the evaporation. So we will discuss about, sorry, iski explanation jo hoti hai, we will discuss about the explanation of these different substances and methods of separation in the next classes. Okay, so that's all. These are the different methods of separation. Clear?